अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आपकी सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट मेरे पास आई है होम टूर की, तो आज मैं आपको बुला रही हूँ अपने घर पे, आपको अपना घर विजिट कराती हूँ। तो लेट्स बिगिन। ये हमारी एंट्रेंस है, ये हमारा पोर्च है और लश ग्रीन पोर्च और गली, बिकॉज मुझे पौधों का बहुत शौक है। आइए मेरे साथ, मैं आपको अपना घर विजिट कराती हूँ। जी, ये हमारी एंट्रेंस है, ये हमारा पाउडर रूम है और ये हमारा ड्राइंग रूम है। आइए जी, ये है हमारा ड्राइंग रूम जहाँ हम अपने गेस्ट के साथ बैठते हैं। ये एक फॉर्मल सिटिंग है घर की, जिसे दो पोर्शंस में डिवाइड किया गया है। कभी कभी सेग्रीगेटेड अरेंजमेंट होता है, तो लेडीज़ यहाँ बैठ जाती हैं और जेंट्स इस तरफ होते हैं, लेकिन ये काफ़ी कंफर्टेबल और इसकी कैपेसिटी भी ज़्यादा है। सेटीज भी दो हैं, मूड़े भी हैं, चेयर्स भी हैं। तो लैंप्स का मुझे बहुत शौक है, इसलिए मैंने यहाँ पे लैंप्स भी रखे हुए हैं। लाइट्स भी इस तरह की हैं कि अपने मिजाज के और मूड के हिसाब से एडजस्ट हो सकती हैं। तो आइए अब आपको अपना लाउंज विजिट कराते हैं। आइए, ये है हमारा पाउडर रूम। जब भी घर में दावत होती है, गेस्ट आते हैं, तो ये वॉशरूम यूज़ करते हैं। और ये हमारा डाइनिंग है, ये हमारी टीवी ट्रॉली प्लस बुफे टेबल आपने अक्सर मेरी पोस्ट में देखी होगी। और ये हमारा सिटिंग एरिया है, ये मेरे वार्ड्स के शेल्फ्स हैं। टीवी अवार्ड्स, मुसव्विर अवार्ड, हम अवार्ड, आज के लिए निगार अवार्ड और दूसरे सारे अवार्ड्स हैं जो कि मैं देखती हूँ और खुश होती हूँ। ये अचीवमेंट्स हैं, टोकन ऑफ अप्रिसिएशन है। आइए आपको अपने किचन में लेके चलते हैं। जी, तो ये है हमारा किचन। ईमान यहाँ कुछ ख़ास बना रही है कीमा, और ये सब आपके सामने है। ये ट्रॉली में हमारे इस्तेमाल की चीज़ें हैं, फ्रीज़र, फ्रिज, माइक्रोवेव ओवन, और यहाँ पे एयर फ्रायर और स्लो जूसर, ब्लेंडर, पानदान जिसे आप मिल चुके हैं पहले। और ये हमारे खाना पकाने की जगह है, ये हमारे बर्तन हैं और इसमें ग्लासेस हैं, चम्मच हैं। दिस इज, और ये हमारे जग्स और फ्लास्क यहाँ पे हैं। यहाँ पे डिज़र्ट के बोल हैं सारे और रोटी की चीज़ें हैं। और ये हमारे घर के इस्तेमाल करने के बोल्स और प्लेटें। ठीक है, मैं साथ साथ ग्रीन टी भी पी रही हूँ। आइए मैं आपको इधर के सेक्शन दिखाऊं। अभी तो खैर गर्मी कम हो गई है, लेकिन ये पंखा किचन के इस्तेमाल के लिए होता है। और ये हमारा डर्टी किचन है, जहाँ पे यूजुअली कुक वगैरह खाना बनाते हैं। और अगर मुझे खाना बनाना हो मैं यहाँ बनाती हूँ। और ये मेरे सारे मसाले हैं जिसको मैंने टैग करके रखा हुआ है, ताकि मुझे पता चले कि इसमें क्या क्या चीज़ है। अब अगला जो मैं खाने का ट्यूटोरियल करूँगी, रेसिपी आपसे शेयर करूँगी, वो आप लोगों ने पराठे की फरमाइश की है। और बहुत जल्द मैं आपको अपने गांव में भी बुलाऊँगी और वहाँ मैं आपको सिखाऊँगी कि शक्कर की दम वाली चाय और मज़ेदार लाल आटे का बल वाला पराठा कैसे बनाया जाता है। लेकिन उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो आए तो आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिल जाए। आइए अब मैं आपको अपना बेडरूम दिखाऊं। ये मेरा एरिया है मेकअप का, यहाँ बैठ के मैं आप लोगों के लिए ट्यूटोरियल्स करती हूँ। ये लाइट है जिसे जला के
और ये मेरी शूट की ज्वेलरी वगैरह सब इसमें होती है। ये रिक्लाइनर है, ये मेरा आयरन बोर्ड है, बेडरूम का पर्सनल, और ये हमारा फैमिली का सिटिंग एरिया है जहाँ हम बैठ के टीवी देखते हैं, और ये म्यूज़िक सिस्टम है मेरा, जब म्यूज़िक का मूड होता है तो मैं ये सुनती हूँ। ये मेरा बुक शेल्फ है जिसमें कोई डायरी कोई बुक अच्छी सी होती है जो मैं सुनती हूँ, और ये मेरी साइड है, ये मेरे हस्बैंड की साइड है, दिस इज़ माय बेडरूम। वॉशरूम इज़ अ मेस बट लेट मी टेक यू टू द वॉशरूम। ये वार्डरोब्स हैं मेरे हस्बैंड के, और ये हमारी वॉशरूम स्लिपर है, ये नाइट लाइट है, और दिस इज माय वॉशरूम। इसमें मेरे सारे हस्बैंड के प्रोडक्ट्स और परफ्यूम्स, ये मेरे परफ्यूम्स, ये मेरी स्किन केयर, हेयर केयर, और शावर एरिया में पूरे अगर आप देखें, मैं तौलिया हटाऊँ तो आपको नज़र आएंगे मेरे शैम्पूज, कंडीशनर्स, मेरी बॉडी केयर, तो ये सारे शावर एरिया में हैं। देयर इज़ अ चेयर ऑल्सो। तो अभी तो इट्स अ मेस, जी। तो ये था हमारा लोअर पोर्शन जिसमें कि ड्राइंग रूम, लाउंज, डाइनिंग, बेडरूम, किचन और डर्टी किचन है, पाउडर रूम है। आइए अब मैं आपको अपना ऊपर का पोर्शन दिखाती हूँ अपने घर का। आइए, आइए, ये है हमारा ऊपर का लाउंज। चूंकि ये बच्चों वाला घर है तो ये इनके यूनिफॉर्म्स का स्टैंड है जहाँ आप स्कूल चूँकि रेगुलर बेसिस पे शुरू हो गए हैं, तो ये इनके यूनिफॉर्म्स रेडी रहते हैं और इंटैक्ट रहते हैं यहाँ पे। ये आयरन बोर्ड भी साथ ही है, और ये है हमारा वो फैमिली एरिया जहाँ हम कभी कभी बैठ के बुक्स पढ़ते हैं या बच्चे कुरान पढ़ते हैं, और ये ऊपर का लाउंज है जो कि इतना यूज़ नहीं होता लेकिन या। और ये है हमारा गेस्ट रूम, ये हमारा गेस्ट रूम है, सिंपल कंफर्टेबल विद अ सोफा कम बेड, और ये गेस्ट वॉशरूम है। ये मेरा हारमोनियम है, इसमें मैं कभी कभी गाने की प्रैक्टिस करती हूँ, आपको अपने साथ किसी दिन शामिल करूँगी इस प्रैक्टिस में। अब मैं आपको दिखाती हूँ अपनी बेटी डॉक्टर अनिया का कमरा, जो कि आजकल तीनों बहनों का कमरा बना हुआ है। वो एक ही कमरे में रहते हैं, एक ही कमरे में सोते हैं, वहीं पढ़ते हैं, और जो टाइम बचता है वो हमारे साथ नीचे गुजारते हैं। बच्चों का कमरा मैं आपको कल विज़िट कराऊंगी, वहाँ बच्चे सो रहे हैं। तो आइए मैं आपको अनिया का कमरा दिखाऊँ। ये है अनिया का बेडरूम, ये उनकी ज्वेलरी की क्लोज़ेट, ये कपड़ों की कबर्ड, ड्रेसिंग, स्टडी, दो बंदों के सोने की जगह ये है, तीसरे का बेड ये है। जी तो ये अनिया का कमरा है, यहाँ पे इनका कॉमन वॉशरूम है और यहीं से रास्ता है इंटरलिंक्ड छोटी बहनों के कमरे की तरफ। आइए मैं आपको अपना टेरेस भी दिखाऊं जहाँ अक्सर शाम में या रात में बैठने का बहुत मज़ा आता है, और ये छोटी सी जगह है, कॉफ़ी पहले से मौजूद है, ये पौधे हैं यहाँ, कुछ चेयर्स हैं मेरी नमाज का तख्त और बैठने के लिए। ये और ये रात का सामान, बहुत मज़ा आता है। जी तो ये थे मेरे घर के दो पोर्शन,
ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर। अब इसके ऊपर वाले फ्लोर पे है मेरा सोना सुखवा, जिसको आप एक वीडियो में देख चुके हैं, लेकिन अब मैं आपको वो नए अंदाज में दिखाऊंगी और न सिर्फ विजिट कराऊंगी बल्कि वहाँ मैं आपके लिए बनाऊंगी लाल आटे के पराठे बल वाले और गुड़ की दम वाली चाय। तो ये ट्यूटोरियल और ये वीडियो जो है ये हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी इंशाल्लाह। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब टू माई चैनल प्लीज़, सो दैट यू नो मुझे अप्रिसिएशन मिले और मैं आपके साथ और अच्छी अच्छी वीडियोस शेयर करूं। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं आपके कमेंट्स भी पढ़ती हूं और आपकी अप्रिसिएशन से दिल बहुत बड़ा होता है। थैंक यू सो मच फॉर सच अ ग्रेट रिस्पॉन्स। और आप लोग मेरे घर आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये कमरा है मेरी बेटी हया का और यहाँ मैं आपको इसलिए नहीं लेके जा सकती कि हमारे पास एक कैट है, हिमालयन कैट, जिसने छोटे छोटे से तीन बच्चे दिए, चार बच्चे दिए हैं और वो उनकी टाइमिंग बिल्कुल अजीब है। जब हम कमरे में जाएंगे तो बिस्तर पे इधर उधर, अब तो डेढ़ महीने के हो गए हैं, तो इसलिए कोई ऐसा टाइम चूज़ करना पड़ेगा जब वो बिल्कुल सो रहे हों, उनका टाइम हो अपनी मदर के पास होने का, तो वो कमरा भी आपको विज़िट कराएंगे। दो रूम्स रह गए हैं, एक नबीहा ईमान का कमरा है और एक हया का कमरा, वो हम इंशाल्लाह बहुत जल्द हो सकता है इसी वीडियो में ऐड करके आपको दिखा दें। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ्स, अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें।